हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज ये है वीडियो मॉर्निंग का, और मॉर्निंग का वीडियो आप देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पौधों से स्टार्ट हो रहा है, इनको थोड़ा थोड़ा हम पानी दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़े थोड़े सूख गए थे। और वैसे मैं इतना पानी इनको नहीं दे पाती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी है, दोपहर के टाइम कोई नहीं देता। मैं भी ये सोचती हूँ कि इनको थोड़ा सा, चलो सुबह के टाइम अगर हमने दे दिया है तो अच्छी बात है, जितना अच्छा होता है। और वैसे भी पता ही है पौधों से तो कितनी अच्छी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है भाई, हमें बहुत अच्छा लगता है। कोरोना के टाइम अगर ये पेड़ पौधे ना होते तो क्या पता हमारा क्या होता। तो इसलिए भाई आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में, माना एंड मॉम में। तो भाई कैसी लगती हैं वीडियोस? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो सब सच होती है, और सामने जो दिख रहा है आपके ऑन द कैमरा है, सामने है, बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है वो ही होता है। इसमें कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिखावा नहीं होता कि जस्ट ये हमें कोई बिजनेस के लिए है या कुछ भी है। ये तो जस्ट हमारा रूटीन है, हम हाउसवाइफ्स हैं, जो भी हम कर रहे हैं ऑन कैमरा हम दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि चलो हाँ, एक अच्छी इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हाँ भाई हमारे इतने फॉलोवर्स हैं और आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार है कि उस चीज़ को भी तो मैं साथ लेके चलती हूँ कि कोई मेरे को अगर एक कमेंट भी करता है तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि आप सोच नहीं सकते, कि बता भी नहीं सकती मैं कि कितनी खुशी होती है मेरे को। तो मेरे को जो भी कमेंट आता है मैं उसका तब भी फास्टली, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ, कोई मेरे को इस चीज़ की शिकायत नहीं कर सकता कि दी आप मेरे कमेंट का कोई भी जवाब नहीं देते हो। तो मैं हमेशा करती हूँ, किसी का भी हो, इवन यहाँ तक मेरी शॉर्ट पे भी आता है तो भी करती हूँ, मैं शॉर्ट भी बनाती हूँ और मैं व्लॉग भी बनाती हूँ। तो छोटी छोटी वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी, आप सभी लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जिसको जो सोचना है भाई, कोई भी है, अगर अब आपके भी माइंड में होगा कि यार रोज़ रोज़ हम क्या देखें, रोज़ का ही है, तो भाई सबको मैं सिर्फ प्यार के लिए है कि हाँ चलो हमारा मॉर्निंग रूटीन है, हम लोग इतना वो करते हैं। और वैसे भी मेरी जो बहनें हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, वो तो मुझे हमेशा बोलती हैं, क्योंकि हम दोनों बहनें एक ही घर में है, कि भानू तो कुछ इतना बड़ा काम नहीं, भाई रितु तो बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है काम हमें करती है, और सारा दिन किचन में ही करती है। बट लेकिन किचन में भी हमें देखो कितना हम फ्री होते हैं, बीच बीच में हम आराम से खाना बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, दोपहर का भी हो जाता है, शाम का भी हो जाता है। इससे थोड़ा सा हमें ये हेल्प मिल जाती है कि हमारा काम फास्टली हो जाता है, कि हाँ कोई अच्छे से नीट एंड क्लीन भी हो जाता है, कि कोई हमें देख रहा है या कुछ भी है, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो कुछ उनको भी सीखने को मिलता है, तो मेरे को भी सीखने को मिलता है। क्यों, मैं ये नहीं है कि मैं किसी की वीडियो नहीं देखती, मैं सबकी वीडियोज़ देखती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी यही हाउसवाइफ वाली देखती हूँ, बहुत हैं मेरी मैं भी जिनको फॉलो किया हुआ है, मैंने भी, मैं उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन है, मेरे को भी उनको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। तो भाई आज का थोड़ा इंट्रोडक्शन थी, थोड़ी लंबी हो गया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे थे, अपना किचन से ही करते हैं हमेशा। वैसे आज सुबह हमने कहाँ से किया था, अपनी अर्ली मॉर्निंग अपने पौधों से किया था, उनको हमने पानी वगैरह दिया था। अब सुबह का नाश्ता था, नाश्ते में आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, वैसे तो हर कोई बनाता है, बट मैंने तो आज क्या बनाया है वो आप देख सकते हो, बूंदी। और अपनी मैं खिचड़ी बनाती हूँ सुबह के टाइम, तो वो मैंने अभी बनाई थी थोड़ी सी, वो मैं मूंग की दाल की, हरे वाली मूंग की दाल की खिचड़ी खाती हूँ। अभी आपने देखा ही है जो अभी मैं बना रही हूँ, बूंदी बना रही हूँ। अगर किसी को इसकी रेसिपी देखनी होगी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना, तो इसकी इंडिविजुअल अलग से बना के मैं डाल दूंगी, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो। इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बताया है, मतलब डीपली नहीं बताया, बट थोड़ा तो बताया है कि जैसे हमने प्याज है, प्याज को चॉप किया है, उसको अनटिल ब्राउन होने तक उसको हमने भूना है, देन उसके अंदर हमने ऐड किए हैं जो हमने चॉप किए थे टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से मैश करके पूरा अच्छे से, जब भी कुछ नाश्ते में नहीं होता, देखो भाई मैं तो यही बनाती हूँ, और इसमें कोई ज़्यादा टंटा भी नहीं है कि हाँ भाई इसमें तामझाम है, बहुत ज़्यादा है या कुछ ऐसा है। तो अभी मैंने ये टमाटर इसमें डाल दिए हैं, इसको अनटिल पूरा अच्छे से, जब तक ये भुने ना, आपने इसको अच्छे से गलाना है, पूरा अच्छे से ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, एक दूसरे के साथ मिल जाए, देन यू विल ऐड ऑल स्पाइसेस जो आपको पसंद हैं। तो ऑल स्पाइसेस मीन्स आपके जो भी अच्छी है, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला। तो नीतू दीदी आए थे, वो कुछ सफाई के बारे में पूछ रहे थे कि दीदी आप ऐसे कैसे, तो मैंने उनको बता दिया था कि दीदी आप वहाँ से कर लीजिए। तो अभी मैंने डाल दी है बूंदी, और उसके बाद अभी देख सकते हो आप कैसी बनी है,
मेरे को तो अच्छी लगी है, बट आप ज़रूर बताना। मैं पानी पीती रहती हूँ, मेरे को पानी की बहुत हैबिट है, और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं अब क्योंकि गर्मियाँ हो चुकी हैं, तो अभी ये भी साफ़ सफाई भी चल रही थी। तो सेल्फ़ का साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो बहुत ज़्यादा काम भी होता है। बच्चे अभी स्कूल से एक डेढ़ करके करीब आ जाते हैं, दोपहर में आते हैं, अब गर्मी भी बढ़ चुकी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी चले जाते हैं, तो सुबह से ही उठ के इतना काम आराम से हो जाता है दोपहर का, दोपहर से शाम तक का। तो अभी हमने शाम का भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो हमने बूंदी बनाई थी, ये थोड़ा सा हमारे पास थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी मैंने, जैसा आपको मैं बताती हूँ कि ये भी हमारे पास दोपहर में लंच में भी काम आ जाती है। तो कुछ भी बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, क्योंकि नेक्स्ट के लिए थोड़ा ही बनाओ, ज़्यादा बना के फेंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सब बोलते हैं कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, तो मैं तो इतना ही बनाती हूँ जितना बन पाता है, चाहे थोड़ा सा ही बने, चाहे बिल्कुल टिफ़िन जितना ही बने, उसके बाद थोड़ी बच गया तो ठीक है, नहीं तो भाई अपना कुछ और थोड़ा सा ही बना लो बस। ज़्यादा बनाने से, वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी गर्मी है, देखो गर्मी पे किसी पे नहीं बनता। अब थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि मैं क्या अभी दोपहर का भी देख लेते हैं, दोपहर में क्या बनेगा या कोई क्या खाएगा। अब आलू गोभी है वो कोई नहीं खाता, तो ये छोटी सी थी, ये फूल था हमारे पास, मैंने गोभी के छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए थे। बहुत कम खाते हैं बच्चे आलू गोभी, तो नहीं सिंपल सूखे आलू खा सकते हैं, वो उनको अच्छे भी लगते हैं सूखे आलू। तो फिर मैं, धूप भी हो रही थी, गर्मी भी हो गई थी, अब तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और मैंने एक दो ही आलू डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, बट बच्चे बोलते हैं कि गोभी साइड में कर देना और आलू हमें दे देना। तो भाई आलू गोभी भी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, छोंक में बनाती हूँ, मैं नहीं बनाती मसाले में, मसाले की सब्ज़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मसाला ज़्यादा ऑयली हो जाता है और फिर अब गर्मी में भी नहीं खाया जाता, तो इसलिए। तो अभी मैंने आलू कट कर लिए थे और फिर उसके बाद मैंने इसको कुकर में चढ़ा के फटाफट से बना दी थी। तो इतनी थोड़ी सी सब्ज़ी है तो अच्छे से फिनिश भी हो जाती है और सब खा भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, साथ के साथ मैं समेट देती हूँ यहाँ से कचरा। अभी भाई हमारी, मैंने जैसा कि आपको बताया था, 3-4 दिन हो गए थे, अभी चटनी हमारी ख़त्म थी, बिल्कुल फिनिश थी। तो अभी मैं थोड़ी सी सोच रही थी कि चलो चटनी भी बना लेते हैं, क्योंकि नाश्ते में भी काम आ जाती है, और वैसे भी जब हम लंच करते हैं या डिनर में थोड़ा दूध वगैरह लेके, साथ में चटनी बहुत अच्छी लगती है। मेरे को तो अपने घर की, गांव की याद आ जाने लगती है, जब मेरी मम्मी बनाते थे चटनी, हम शाम में खाते थे, दूध के साथ खाते थे, कई बार तो सुबह के टाइम होता था और मक्खन होता था साथ में, जैसे ही मक्खन लिया और साथ में एक गर्मा गर्म मम्मी के पास चूल्हे पे बैठ के आराम से खाते थे। तो वो टाइम तो अब नहीं रहा है। अभी हम सोच रहे थे कि मैं क्या, अगर वही टाइम वापस आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल तो सब दिखावा है, क्या है। तो गाइज़ अभी मैं चटनी बना के बस तैयार करने वाली थी। तो वैसे मेरे को सिल की चटनी अच्छी लगती है, मैं तो जब घर पे थी, अपने गांव में होते हैं हम, अपने मायके में, तो भाई हम सिल की चटनी खाते थे, मम्मी बनाती थी, उसमें अच्छे से पूरा धनिया, सूखा धनिया वगैरह, लहसुन वगैरह अच्छे से डाल के। अब तो सिंपल ग्राइंडर है, दिखावा है ये सब, तो भाई देख सकते हो आप, मैंने छोंक कर दिया और उसके बाद मैंने गोभी छोंक दी थी, तो ऐसे ही मेरा काम समाप्त हो चुका। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए।